टीम इंडिया का मैच चल रहा है पुणे में और मुंबई से निकलकर पुणे पहुंची है सारा तेंदुलकर। मैदान पर शुभमन गिल बड़े बड़े शॉट्स लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वहीं पर सारा तेंदुलकर स्टैंड्स में बैठकर उनके लिए तालियां बजा रही है। जैसे कि यहां पर भी आप फोटोज में देख सकते हैं, एक तरफ है शुभमन गिल जो कि मैदान पर चौके छक्के लगा रहे हैं, वहीं पर दूसरी तरफ है सारा तेंदुलकर। आप देखिए किस तरीके से चीयर कर रही हैं, तालियां बजा रहे हैं। नितिन, काफी हद तक हम ये कह सकते हैं कि अभी ऑफिशियल हो चुका है, जैसे कि लोग कयास भी लगा रहे थे कि क्या सारा अली खान या सारा तेंदुलकर। तो अब सारा तेंदुलकर जिस तरीके से पहुंची हैं और सेलिब्रेट कर रही हैं शुभमन गिल के बड़े बड़े शॉट्स को, क्या लग रहा है? नहीं, पहले कंफ्यूजन जरूर था सारा तेंदुलकर या सारा अली खान, लेकिन अब ऑलमोस्ट ये कंफर्म हो गया है। और इसका एग्जाम्पल इससे भी ले सकते हैं कि जब विराट कोहली बड़े शॉट्स लगा रहे होते हैं या रोहित शर्मा अच्छे शॉट्स लगा रहे होते हैं, अच्छी फॉर्म में होते हैं, तो कैमरा पर्सन जो होते हैं वो जब वो शॉट लगाते हैं तो सीधे उनकी वाइफ जो अनुष्का शर्मा है या रोहित शर्मा की जो वाइफ रितिका है उनकी तरफ कट कर देते हैं उनका रिएक्शन लेने के लिए। और आज वही ग्राउंड पर हुआ, जिस तरीके से शुभमन गिल ने वो एक ओवर में जो दो छक्के लगाए और जैसे ही उन्होंने अपना छक्का लगाया तुरंत जो कैमरा का फ्रेम था वो सीधे सारा तेंदुलकर के ऊपर, और ये ऑलमोस्ट कन्फर्म हो जाता है कि भाई देखो गेम भी पुणे में हो रहा था, मुंबई से ज्यादा दूर नहीं है, एक डेढ़ घंटे की ड्राइव लेके आप जो है वो गेम एंजॉय करने जा सकते हैं। वो अपने आई थिंक दोस्तों के साथ वहां पर आई थी और ये इससे कन्फर्म हो जाता है कहीं ना कहीं जिस तरीके से चेयर्स हो रहा था कि हाँ कि दोनों के बीच में देर इज समथिंग। और जो डिबेट थी कि सारा तेंदुलकर या सारा अली खान, आई थिंक उस पर भी अब रोक लग जानी चाहिए और अब इट्स ऑलमोस्ट कंफर्म के सारा तेंदुलकर इज द नेम। एग्जैक्टली, लेकिन इसके साथ साथ हमने इन्होंने छुपाने की भी काफी ज्यादा कोशिश की, काफी जगहों पर साथ में ये पहुंचे, लेकिन तस्वीरें जब इन्होंने डाली अलग अलग जाकर के इन्होंने फोटोज शेयर की, लेकिन फैंस जो कि बाज की नजर जिनकी होती है उन्होंने काफी किसी ना किसी तरीके से पता लगा लिया कि भाई थे तो आप लोग साथ में, भले ही आप रिवील करें या ना करें, साथ में तस्वीरें नहीं आई, मगर अलग अलग जो तस्वीरें सामने आई थी उससे काफी हद तक ये क्लियर हो गया था कि भाई आप दोनों साथ। और तस्वीरें पहले काफी सामने आई भी हैं दोनों से, जब पूछा जाता था तो दोनों रिफ्यूज भी करते थे, लेकिन वो कहते हैं ना कि आपके एक्शंस जो हैं वो कुछ और बता रहे हैं और आप जो बोल रहे हैं उसका मतलब कुछ और निकल रहा है, तो वो रिफ्यूज करते थे दोनों, शुभमन भी मना करते थे, लेकिन जिस तरीके से चीयर करने सारा पहुंच जाती हैं, तस्वीरें एक साथ मिलती हैं, लंदन में भी देखा गया था दोनों को एक साथ, तो उससे ऑलमोस्ट क्लियर हो जाता है कि हाँ भाई दोनों में समथिंग कुछ है। और आज तो मैं अपनी तरफ से श्योर हूँ कि ये अब ऑलमोस्ट कन्फर्म मान लें आप कि सारा तेंदुलकर और शुभमन गिल के बीच चीजें जो है वो एक अच्छे there is something going on between them। और ये जो तस्वीरें भी अब आप इनको देख करके देखो डिनाय तो अब नहीं कर पाओगे, क्योंकि जिस तरह से सेलिब्रेशन उनका आया था, जोर जोर से तालियां बजा रही थी सारा तेंदुलकर, तो वो चीज देख करके, हालांकि रोहित शर्मा भी बड़े बड़े शॉट्स लगा रहे थे, शुरुआत रोहित ने ही की थी, मगर उस टाइम कैमरा भी उनकी तरफ नहीं गया, तो कैमरा भी तभी गया जब शुभमन गिल ने शॉट्स लगाए। जिस तरीके से उनका रिएक्शन सामने आया उससे काफी हद तक चीजें क्लियर हो गई। तो क्या अब हम जल्द ही आने वाले टाइम में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऑफिशियल हो जाए? ये देखते हैं कि दोनों कब बताते हैं इस बात को, लेकिन अभी हम ये बात जो है वो अपने दर्शकों के ऊपर छोड़ते हैं कि वो इससे क्या चीज सामने निकालते हैं, ना कि शुभमन के शॉट पर सारा तेंदुलकर जिस तरीके से चीयर्स कर रही हैं जैसे ही उनके गेम को वो देखने आती हैं, तो अभी हम अपने दर्शकों के ऊपर छोड़ देते हैं कि वो क्या प्रेडिक्ट करते हैं इससे। लेकिन फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आप लोग भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा शुभमन गिल और सारा तेंदुलकर के बारे में, आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में राय रखिएगा, साथ ही साथ क्रिकेट रॉकेट को डाउनलोड कर लीजिएगा, फास्टेस्ट क्रिकेट अपडेट मिलती है निवेद फूड के साथ, आप जो है वो हेल्दी स्नैक्स यूज कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं निवेद फूड के साथ, तो कमेंट सेक्शन में राय जरूर रखिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अभी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, जय हिंद जय भारत।